नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई के रडार पर झारखंड के हजारीबाग का ओएसएस स्कूल है। दरअसल पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उसके सीरियल कोड से पता चला था कि इस मामले में इसी स्कूल का कनेक्शन है। पिछले दो दिनों से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक जांच एजेंसी के घेरे में हैं। 26 जून को रात भर एहसानुल हक से पूछताछ की गई, सुबह फिर स्कूल आया गया और उसके बाद दोबारा उसी गेस्ट हाउस में टीम ले गई जहां पूछताछ चल रही। पटना के खेमनी चक के लर्न प्ले स्कूल की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। सीरियल कोड की जांच में पता चला है कि यह हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का था कि लर्न प्ले स्कूल में परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को 20 से 25 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था और रात भर उत्तर रटवाया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगले दिन परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे वो बिल्कुल वही थे जो एक दिन पहले हम लोगों को दे दिया गया था। वह हजारीबाग में नीट परीक्षा कराने के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे, उनके अंडर में ओएसएस समेत कुल 5 सेंटर थे, तो अन्य सेंटरों पर किस तरह परीक्षा का संचालन हुआ उसके बारे में भी एहसानुल हक से जो है वो पूछा जा रहा है। एहसानुल हक के ओएसएस स्कूल में भी परीक्षा का सेंटर था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस विद्यालय से या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। 3 मई को प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग तक ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए नेटवर्क वाहन पर लाए गए थे। इस गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। इसके बाद प्रश्न पत्र वाले बॉक्स को ब्लू डार्ट कुरियर के हजारीबाग कार्यालय में रखा गया। 3 मई को ही ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से ई रिक्शा पर प्रश्न पत्र को SBI बैंक तक ले जाया गया। अहम दस्तावेजों को इतने असुरक्षित ढंग से क्यों ले जाया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार की EOU ने जब इस मामले की जाँच 11 मई को शुरू की तब से ही कई सबूत हाथ लगने लगे। सीबीआई का पहला शक ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक पर गया, जिनके दोनों फोन लैपटॉप सीबीआई जब्त कर चुकी है। इसके अलावा पिछले 3 महीने के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा। साथ ही स्कूल के सुपरिंटेंडेंट रहे इम्तियाज आलम का फोन और लैपटॉप भी सीबीआई के पास है। ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है। ओएसएस स्कूल में FSL की टीम भी जाँच पड़ताल में जुटी है, जबकि CCL गेस्ट हाउस में एहसानुल हक सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे। सीबीआई के कुल 8 अधिकारी अंदर मौजूद हैं। एहसानुल हक समेत 7 लोगों से जो है पूछताछ जारी है। रात में ओएसएस स्कूल के कुल 3 स्टाफ को छोड़ दिया गया है। एहसानुल हक को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है। यानी पटना में जले हुए पेपर और उसके सीरियल कोड ने जांच की दिशा झारखंड के हजारीबाग की तरफ घुमा दी।